तो छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है बीएड का काउंसलिंग कब से शुरू होगा, आपको जो है कब से जो है फॉर्म फिलअप करना है काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो काउंसलिंग ठीक से नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि हमसे काउंसलिंग ठीक से हम कर रहे हैं तो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हमें सीट अलॉटमेंट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में अगर हमें कॉलेज नहीं मिलता तो सेकंड राउंड के काउंसलिंग करेंगे तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सेकंड राउंड के काउंसलिंग में अगर हमें कॉलेज नहीं मिलता तो क्या हम जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग करेंगे तो हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप से हर एक स्टूडेंट का यही क्वेश्चन यही डाउट रहता है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, वो सभी डाउट जो है क्लियर हो पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है बीएड में कितने रैंक कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, आखिरकार जो है फ़ीस कितना होता है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस कितना होगा बीएड करने के लिए, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस कितना होगा, वो भी चीज़ें बताऊंगा। सीटें जो है कितने हैं छत्तीसगढ़ में जो है बीएड करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ में बीएड करने के लिए जो है टॉप वन टॉप टेन कॉलेज कौन कौन से हैं, और बीएड का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा, और कितने जो है कैंडिडेट जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, किस तरह से सिलेक्शन होगा, वो भी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीटों की, जो कि जानना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में जो है कुल टोटल आपके जो है 14,400 सीटें हैं। जी हाँ, 14,400 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर हम महाविद्यालय की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल टोटल जो है 146 जो है महाविद्यालय हैं जहाँ आप जो है कॉलेज कर सकते हैं, और अगर हम 14,400 सीटों की बात करें तो इसके लिए तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट ने जो है फॉर्म फिलअप किया था, और 2 लाख के अराउंड आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए कैंडिडेट्स ने जो है बीएड के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एग्ज़ाम्स दिए हैं, और इतना ज़्यादा कंपटीशन जो है ये पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तक कभी हिस्ट्री में जो है ये चीज़ें नहीं हो पाया, क्योंकि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में अनेकों शिक्षक भर्ती परीक्षा, अनेकों जो है टीचर्स वैकेंसीज, नए नए रिक्वायरमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, इसी वजह से एक के बाद एक जो है भर्ती, एक के बाद एक जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट जो है बीएड के प्रति रुझान उनका बढ़ चुका है और वो बीएड कोर्स की ओर अग्रसर जो है हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें शासकीय महाविद्यालय की, तो आपके जो है छत्तीसगढ़ में कुल जो है अगर हम गवर्नमेंट महाविद्यालय की बात करें तो 3 कुल जो है महाविद्यालय हैं शासकीय महाविद्यालय, जिसमें अगर हम सीटों की बात कर लें तो 250 सीटें हैं आपके जो है छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट के लिए, जिसमें अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हैं शिक्षा महाविद्यालय रायपुर BTI। जी हाँ, आपने इसका नाम सुना ही होगा, शिक्षा महाविद्यालय रायपुर BTI, जिसमें अगर सीटों की बात करें तो 75 सीटें हैं। वहीं उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, बिलासपुर में भी आपके जो है 75 सीटें हैं। वहीं SSC बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में आपके सबसे ज़्यादा सीटें 100 सीटें हैं, यानी कुल महाविद्यालय 146 महाविद्यालय, कुल सीटें 14,400 सीटें। शासकीय महाविद्यालय 3, जिसमें कुल सीटें 250 सीटें। वहीं निजी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो कुल टोटल जो है निजी विश्वविद्यालय जो है 4 निजी विश्वविद्यालय हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें कुल सीटों की अगर हम बात करें कि निजी महाविद्यालय 4 हैं लेकिन सीटों की, तो छत्तीसगढ़ में कुल टोटल जो है 400 सीटें हैं निजी आपके जो है विश्वविद्यालय के लिए। तो 400 सीटें हैं, जिसमें सबसे पहले आपका ICFI विश्वविद्यालय कुम्हारी में जो है 100 सीटें हैं। वहीं मेट्स विश्वविद्यालय आरंग में जो है 100 सीटें हैं। वहीं कलिंगा विश्वविद्यालय जो कोटनी नया रायपुर में है उसमें भी जो है 100 सीटें हैं। वहीं डॉक्टर CV रमन बिलासपुर में जो है 100 सीटें हैं। तो इस तरह से 400 सीटें। तो निजी महाविद्यालय की अगर हम बात करें तो 137 हैं, और कुल सीटों की अगर हम बात करें जो, तो आपके जो है कुल सीटें जो है आपके 13,600 सीटें हैं। जी हाँ, 13,600 सीटें जो है गवर्नमेंट के 250 सीटें, और 13,600 सीटें आपके जो है जो निजी महाविद्यालय में जो है 137 जो निजी महाविद्यालय। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अगर हम फीस की बात करें तो आपके बहुत ज़्यादा कम होता है। फर्स्ट ईयर का जो फीस होगा वो आपका जो है 7 से 8 हज़ार रुपये ही होगा, सेकेंड ईयर का भी फीस होगा वो भी आपका 7 से 8 हज़ार रुपया ही। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फीस जो है सबसे ज़्यादा कम होता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ीस होगा वो आपका जो है 25,000 रुपये से लेकर जो है 30,000 रुपये, यानी कि आपका जो है बीएड कोर्स आप करोगे तो
आपका जो है कम से कम जो है 55 से 60 हज़ार रुपये आपका जो है लग जाएगा, और 55 से 60 हज़ार रुपये ही में ही आपका जो है बीएड कंप्लीट हो पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छे से काम करना, अच्छे से प्रिपरेशंस करना, अच्छे से स्टडी करना। तो जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करोगे उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे और उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी फिर मिल पाएगा। इसलिए सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, ज़िंदगी में कामयाबी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आप काम कर रहे हो फालतू के बेवजह, उन सभी चीज़ों को अवॉइड करो, सिर्फ अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ काउंसलिंग के बारे में कि आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ में जो है बीएड का काउंसलिंग जो है किस तरह से किया जाता है और आपको काउंसलिंग जो है कैसे करना है। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में बीएड का काउंसलिंग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सिंपल आपको सर्च करना है acrt.cg.gov.in, ये लिखकर आपको सिंपल सर्च कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज दिखाई देगा, इसमें लिखा रहेगा CGBED ऑनलाइन काउंसलिंग 2023, मैं आपको 21 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो है बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन 2023 की विस्तृत जानकारी लिखा रहेगा, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपका जो है काउंसलिंग वाला साइट ओपन हो जाएगा, उसमें लिखा रहेगा CGBED क्लिक टू अप्लाई, तो आपको जो है क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपको काउंसलिंग करना है, जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है। फिर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक एप्लीकेशन लॉगिन। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ही ऑप्शन आएंगे, अदर स्टेट छत्तीसगढ़, तो आपको छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वहाँ पर OTP आएगा, फिर उसे डालकर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स अच्छे से भर लेना, पासवर्ड को अच्छे से याद रख लेना है। फिर आपको एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से हम जो है अपने सभी डिटेल्स भरने के बाद जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यही बीएड में काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर हैं, तो अच्छे से काउंसलिंग करना, जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा और जल्द ही काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा। सो अच्छे से बीएड का काउंसलिंग करना और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। आई होप, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आपके सपने ज़रूर पूरे हो पाए और बीएड कोर्स अच्छा है ताकि आप जो है आगे शिक्षक बन सके, बस मेहनत करते रहना। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से मेरे चैनल्स पर नए नए वीडियोज़, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे। तो बीएड का काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाला है और रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। सो बिलीव इन योर सेल्फ देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, खुद के ऊपर भरोसा रखो और चाहे आपके लाइफ में कितने भी ज़्यादा मुश्किल वक्त, मुश्किल दौर क्यों ना चल रहा हो, पॉजिटिव रखिए और हर एक दिन कुछ नया होगा, बस मेहनत कीजिए।